वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थायी समिति की ओर से भले ही 3,106 करोड़ का बजट पेश किया गया हो, लेकिन वास्तविक रूप में वित्तीय वर्ष में केवल 772 करोड़ के ही विकास कार्य के टेंडरों को मंजूरी दी जाने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रदीप पोहाने ने पत्र परिषद दौरान दी। उन्होंने कहा कि आम बजट में दिए गए आय व्यय खर्च में केवल विकास कार्य ही नहीं बल्कि प्रशासकीय खर्चा का बढ़ा हिस्सा शामिल था, जिससे बजट में केवल 1200 करोड़ के विकास कार्यों को प्रस्तावित किया गया था। यहां तक कि विकास की कई फाइलें मंजूरी के लिए प्रशासन के पास लंबित होने के कारण भी कार्यादेश जारी नहीं किए गए। विकास कार्यों के टेंडर के अलावा इस वित्तीय वर्ष में 388 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासन और स्थायी समिति की ओर से प्रशासकीय मंजूरी प्रदान की गई है। पत्र परिषद में उप महापौर मनीषा कोठे, पार्षद दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, पिंटू झलके आदि उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका के इस आर्थिक वर्ष में कुल मिला के 971 प्रस्ताव को स्थायी समिति ने मंजूरी दी। इसमें से 772 कोटि के विकास निविदा को हमने मंजूरी दी, उसी के साथ 388 कोटि की विकास काम को हमने प्रशासकीय मान्यता दिया। इस तरीके से नागपुर शहर में बगीचे हो, जो एनआईटी की तरफ बहुत दिन से प्रलंबित थी, उसको कॉर्पोरेशन में हैंडओवर करके उसमें विकास करना हो, नाली की दीवार हो, अनधिकृत एरिया में जो आउटर क्षेत्र जो अभी कॉर्पोरेशन में आया उसमें विकास का काम हो, शहर में एलईडी लाइट्स हो या फिर अमृत योजना के माध्यम से पानी पुरवठा हो, इस तरीके से हमने विविध काम नागपुर शहर में स्थायी समिति के द्वारा किया। इस स्थायी समिति ने नया हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की शुरुआत की, जो आगे भी अच्छी तरीके से आगे उसको बढ़ेंगे, जिससे चलते नागपुर शहर पानी को किस तरीके से बचा सके या पानी को किस तरीके से अपन जो बह के जाने वाला पानी है उसको किस तरीके से काम में ला सके, यह एक अच्छी योजना हमने इस साल शुरू की। नागपुर शहर में जितने भी मैदान थे उसमें ग्रीन जिम लगाने का काम हो, बच्चों के खिलौने हो, इस तरीके से भी योजनाएँ हमने साथ में ली और नागपुर शहर में विकास करने के दृष्टिकोण से स्थायी समिति ने इस बार शहर में काम की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।